पिछले एपिसोड में आपने देखा रॉनी जोकर के साथ जुड़ी हुई यादों को भुला नहीं पा रहा। पंचगनी पहुंचते ही उसका स्वागत करता है वो। यहाँ इंस्पेक्टर शिंदे शिवा और आशुतोष की पूछताछ करता है और हवालदार से कहता है कि उन पर नजर रखे। एक पागल राधिका को चेतावनी देता है। राहुल शिवा और आशु पुलिस की दखलंदाजी से परेशान है। तभी रॉनी आकर उनसे मिलता है। पुलिस के हाथ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स लगते हैं और आशुतोष अपने एक और दोस्त राजा से संपर्क बनाने में कामयाब होता है। अब आगे। हेलो राजा है कौन? आशु? आशुतोष कहाँ है तू यार? Where are you? हाँ, मेरा मामला तो एकदम सॉलिड फिट हो गया है। सारे फिल्म इंडस्ट्री में बॉस सिर्फ राजा के नाम के चर्चे हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये साल तो पता है मैंने 40 फिल्में साइने करी, एक के बाद एक हिट बॉस, एक के बाद एक हिट। पता है मेरी फिल्म प्यारे पंछी, दैट वाज अ सिल्वर जुबली, दिल वाले वाज अ गोल्डन जुबली, एंड मोहब्बत वाला वाज अ प्लैटिनम जुबली बेबी। यस, कहते हैं कि ऑस्कर तो कहीं नहीं गया। अरे पता है अगले हफ्ते मेरी फिल्म आ रही है, क्या नाम है उसका, वो प्यार का खिलौना, डबल रोल है। हाँ, एक रोल जो है ना प्यार का है और एक खिलौने का है। अच्छा सुन मेरी बात, बहुत जल्द मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊंगा, लड्डू भी खिलाने वाला हूँ। हाँ, लेकिन ये बता कि तूने कैसे फोन किया, तू क्या कर रहा है, वेयर आर यू मैन? राजा वो आ गया। कैसे हैं? मैंने खुद बनाए हैं। थोड़ी चीज होती तो मजा आता ना। ए रॉनी, तेरे को खाना है तो चुपचाप खा ले, नहीं तो मेरे को वापस दे दे। हाँ ये देखो आशु, ये सैंडविच खाने के बाद मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बैग से दवाई निकाल के दे देना। रॉनी, हे गाइस, हाय, वो चला आज क्या हुआ? क्या हुआ? ये ले राजा, ये क्या? अरे यार, एक लेटर है। लेटर? किसका लेटर? अरे तू पढ़ तो सही। मंजी का। मंजी? अरे यार, मनमोहन देसाई वो अपनी अगली फिल्म में मुझे साइन करना चाहते हैं। अच्छा? गेस एज व्हाट? एज व्हाट? अरे गेस एज व्हाट? एज अ हीरो। ये दरअसल बात यह है कि वो अमित जी से जरा पक गए हैं। अच्छा, अच्छा। और इसलिए उन्हें एक फ्रेश फेस की तलाश है। अच्छा, अच्छा। आ गया फेकू चल साला। ये क्या बोला? तू क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये ले, तुझे यकीन नहीं होता ना तो पढ़, चश्मा बराबर पहना। अरे देखना यार, मुझसे जल रहा है। वेल एनीवे, ए वो नई लड़की है ना, अब श्रीदेवी, उसके ऑपोजिट रोल कर रहा हूँ मैं। अरे यार, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा, वरना मेरा परफॉर्मेंस होगा वहाँ और उसका परफॉर्मेंस होगा यहाँ। राजा, अगर तू फिल्मों का चक्कर छोड़ देगा और पढ़ाई में थोड़ा सा भी ध्यान लगा देगा ना तो शायद तू पास हो जाएगा, सच। वरना हम लोग सब निकल जाएंगे आगे और तू रह जाएगा, तो तेरी सब निकल जाएगी। अरे अरे यार, लेकिन हैंडराइटिंग तो राजा की ही लगती है। अरे यार क्या बात कर रहा है, मैंने तो संजू से लिखवाया था यार। तूने बराबर नहीं लिखा, क्या बात कर रहा है? मैंने तो बराबर लिखा था, पर वो ये क्या है? पकड़ा गया। अरे हाँ यार, खैर कोई बात नहीं, आज ना सही पर एक ना एक दिन तो मैं हीरो बन के रहूंगा। पढ़ाई लिखाई में जियो और बनने के लिए हीरो। ए रॉनी, तू ज्यादा बात मत कर, तू कुछ काम नहीं है। ए चल, तू हम लोग का हाथ बड़ा ब्रिज बनाने में चल। अरे नहीं यार, आज जरा गर्मी बहुत है और वैसे भी तुम लोग ये ब्रिज फिट का चक्कर क्या कर रहे हो? मेरे घर जाते हैं, सब लोग साथ बैठ कर फिल्म देखते हैं। मेरे घर एक नया कलर टीवी आया है। इसका बस चले ना तो ये कलर टीवी में घुस जाए। अरे क्यों नहीं यार, आखिर में
हीरो जो बनना चाहता हो। शाम से की फिल्म में तेरे को भूत भूत का रोल तो मिल ही जाएगा क्यों? हाँ बराबर। आंखें सी बाहर है, नाक पता नहीं सड़ी हुई है, पेट में से कीड़े आ रहे हैं, बाल भी कल रहे, और तू पता नहीं कैसे हंस रहे हैं। तुम लोग क्या मेरी टांग खींच रहे हो? क्या बात हुई? अरे यार ऐसी गद्दा मजबूरी करने से तो अच्छा है कि मैं भूत ही बन जाऊं। एनीवे तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं जाता हूँ। सी यू गाइस, बाय। और हाँ, इस फूल को मेरा नाम देना मत भूलना। चल रहे थकेले, बैठा क्या है, चलना। बाय आपसे लेना। थैंक यू, बाय। मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। राजा चलो जल्दी से सो जाओ। लेकिन लेकिन अभी तो क्लाइमैक्स चल रहा है अम्मी। तुम टीवी बंद करते हो या मैं अंदर आऊं? अम्मी सॉरी राज साहब, अलविदा। वाह राज साहब, क्या फिल्म बनाई है आपने, क्या ट्रेजेडी है, क्या इमोशन है। लेकिन अगर आप ऋषि के बदले मुझे ले लेते ना, तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती। क्या गाना है, जाने कहाँ गए वो दिन। नमस्कार, नमस्कार। राजा मैं तुमसे बोल रहा हूँ, नमस्कार। तुम हीरो बनना चाहते हो ना? मैं तुम्हें बना सकता हूँ हीरो। और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। देखो जैसे मैं टीवी के अंदर आ गया हूँ, वैसे ही तुम भी अंदर आ गए हो। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, वैसे ही दुनिया तुम्हें देख सकती है। कम ऑन, कम ऑन। देखो देखो यहाँ एक्शन है, यहाँ डांस है, रोमांस है, कॉमेडी है और ट्रेजेडी है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हेलो, क्या सोच रहे हो? देखो देखो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम नहीं आओ? अच्छा मैं आ जाता हूँ। देखा, मैं टीवी के बाहर घर के अंदर एक समुंदर। तुम डर क्यों रहे हो? डरो नहीं, डरो नहीं, नहीं तो गब्बर सिंह बुरा मान जाएगा। पता ना उसने क्या कहा था, जो डर गया समझो मर गया। अमी
चिल्ला रहे हो? मम्मी तो सोई हुई है। अच्छा अच्छा, मैं मम्मी को बुला देता हूँ। मम्मी देखो, जोकर मुझे सता रहा है। मम्मी नहीं आई। मम्मी तो सो रही है गरी में। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। अच्छा सुनो, चलो हम फिल्म फिल्म खेलते हैं। मैं डायरेक्टर, तुम हीरो। ओके, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। तुम तो रो रहे हो, डर गए हो क्या? डरपोक एक्टर, डरपोक एक्टर। देखो देखो, तुम्हारे सामने एक जोकर खड़ा है, और जोकर को देखकर तो सभी हंसते हैं। तुम्हें भी हंसना चाहिए। हटो हटो, हंसी नहीं आ रही। अरे तो फिर हंसने की एक्टिंग करके दिखाओ। हंसो हंसो एक्टर, हंसो। अच्छा तुम मुझसे शर्मा रहे हो। अच्छा चलो, मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। 3 तक गिनूंगा मैं, फिर तुम्हें हंस कर दिखाना होगा। ओके, 1 2 3। अरे तुम फिर नहीं हंसे? निकम्मे एक्टर हो तुम, निकम्मे एक्टर हो। क्या एक्टर बनोगे? कमा कमा कमा, हंसो हंसो। देखो जैसे मैं हंसता हूँ, जैसे खिलखिला कर मैं हंसता हूँ, खुल कर हंसो। राहुल और शिवा तुम्हारी खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। राहुल तो कह रहा था कि ऐसा पंजाबी खाना पंजाब में भी नहीं मिलता। और तुमने जो सैलेड बनाया था ना रॉनी के लिए, वो सारा का सारा शिवा खा गया। लाओ ब्लिस, लाओ, मार्केट हुआ तुम। आप मार्केट जा रहे हैं? अब संडे के दिन इस वक्त मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा। हाँ मैं तो भूल ही गई, लेकिन क्या मार्केट जाना इतना जरूरी है? अरे कमाल करती हो तुम। कल तुम तो मुझसे शिकायत कर रही थी कि मेरे दोस्त आ गए हैं, घर में बासमती चावल नहीं है, हल्दी नहीं है, मिर्च नहीं है, ये ले आइए वो ले आइए, और अब तुम ही पूछ रही हो कि मार्केट जाना जरूरी है। तुम भी राधिका, अब चलो जल्दी से लिस्ट लाओ, कहीं देर हो गई तो फिर मार्केट में भी भीड़ हो जाएगी, और फिर सब पेरेंट्स मिलेंगे, और फिर खरीदारी कम और शिकायतें ज्यादा। आप मार्केट मत जाइए। क्यों? बस मैं कह रही हूं इसलिए। राधिका क्या हुआ, क्या बात है? मैंने एक बार कह दिया ना आपको, आप मत जाइए। अच्छा ठीक है, ओके, मैं नहीं जा रहा। बस अब तो बता दो बात क्या है। आपकी जान खतरे में है। ये किसने कह दिया तुमसे? पहाड़ी वाले पगले ने। अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। क्या कहा उसने? यही आपकी जान को खतरा है। बस, और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर दिया? तो क्या करती मैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी तो यकीन नहीं होता। सोनू और नीतू का अचानक गायब हो जाना, हफ्ते भर बाद भी पुलिस को एक भी सुराग न मिलना, आपके दोस्तों का अचानक यहाँ आ जाना, और उनके साथ आपका दबी सी आवाजों में बातें करना, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं राधिका, तुमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मेरा बस बहुत हो गई सफाई। ये जरूर है कि मैं आपकी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपके और आपके दोस्तों के चेहरे पर जो समस्या है, जो परेशानी है, वो तो मैं पढ़ सकती हूँ ना। राधिका कोई समस्या नहीं है। तो बताइए
उस पगले को यहाँ आकर मुझे चेतावनी देने की क्या जरूरत है? और तो और आज 15 सालों बाद अचानक आपको दोस्तों की याद क्यों आ रही है? राहुल और शिवा यहाँ सहमे सहमे उसे क्यों रहते हैं? अगर आपके दोस्त यहाँ पिकनिक मनाने आए तो फिर मौज मस्ती करने के बजाय इस घर में डर क्यों छाया हुआ है? ये बात सुनो, पहली बात, किसी भी पागल की कोई भी बात कभी कोई सीरियसली लेता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ भी बड़बड़ाना उसका काम है। दूसरी बात, मेरे दोस्त, तुम्हारी हैरानियत भी समझ सकता हूं। 15 साल से जिन दोस्तों ने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया और ना ही मैंने उनसे कुछ संबंध रखे, ना कोई खत ना कोई फोन, वही दोस्त अचानक हमारे यहां रहने आते, लेकिन वो दोस्त यहां पिकनिक मनाने नहीं आए। राधिका, बचपन में हम दोस्तों ने मिलकर एक काम हाथ में लिया, हमें लगा था कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन 15 साल बाद आज पता चला है कि हमारा काम अधूरा रह गया। बस उसी काम को खत्म करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए। कौन सा काम? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। इससे टेंशन मत लीजिए। अधिकार, सवाल टेंशन का नहीं है, सवाल उस वचन का है जो हम दोस्तों ने एक दूसरे को दिया है। ऐसा वचन? यही कि जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता, हम इस काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा कौन सा काम है कि जो आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहते? पैसों का काम है या फिर मकान बना रहे हैं आप लोग या जमीन खरीद रहे हैं? कौन सा काम है बताइए ना। ठीक है, मत बताइए। आज के बाद मैं आपको कुछ भी नहीं पूछूंगी। एक मैं ही बेवकूफ हूं जो हमेशा आपकी फिक्र करती रहती हूँ। राधिका, दरवाजे पर कोई भी आए और आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको जरा सी भी खरोच आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगी, एक पल भी। भाभी की बात सही है आशु, आफ्टर ऑल शी इज़ योर वाइफ यार, तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन, चिंता तो होगी ना उसे। बड़ी मुश्किल से मैं भी बात टाल गया, लेकिन कब तक उससे छुपाते रहूँगा? आशु, किसी ना किसी दिन तो ये राज खुलना है, तो क्यों नहीं साफ साफ बता देता? क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, अरे गलत क्या बोला मैंने? देख, आप उनको मालूम है कि अपनी जान खतरे में, तो हमारे अपनों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि नहीं? शिवा, तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, बात जबान पर आती ही नहीं है, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अरे ये पहाड़ी वाला पागल कौन है? अरे होगा कोई भी, तेरे को क्या है, दवा देना है क्या उसको? दिमाग ठीक करने की दवा लाया हूं मैं। हाँ तो खुद खाना। अच्छा शांत हो जाओ यार। आशु देख, मुझे भी लगता है कि हम तुम्हारे घर में रहकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यार। क्यों? अरे साला जोकर और अपन के बीच में खाली फुकट भाभी को घसीट रहे अपन। एक मिनट एक मिनट, मेरे कजिन परवेज का घर इधर पास ही में है। क्या बंगला है पता है, क्या बंगला है, अरे इससे तो बहुत बड़ा है। देखो बड़ा हो या छोटा, कोई भी कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा, तुम सब यहीं रहोगे मेरे घर में। वैसे भी संजू, राजा और जूली आ रहे हैं, डोंट यू थिंक घर छोटा पड़ेगा? नहीं, मुझे तुम लोग यहाँ से शिफ्ट करोगे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आशु जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, देख हमारी वजह से भाभी को तकलीफ होना ये बात ठीक नहीं है यार। और आशु, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारा घर ईस्ट फेसिंग है और मेरा अस्थमा उससे बढ़ जाता है। आशु तू इसकी बात छोड़, जोकर कभी भी हमला कर सकता है। इट्स रिस्की, यू नो दैट। और जोकर का कोई भरोसा नहीं,